नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पावर सिस्टम, यानी पावर सिस्टम में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है मेरा, बात करता हूँ आपसे मैं, स्टैंडर्ड वोल्टेज की बात करते हैं। स्टैंडर्ड वोल्टेज यानी कल हमने आपको दोस्तों पिछली वीडियो की बात करूँ मैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको कि लो वोल्टेज कितनी होती है, मीडियम वोल्टेज कितनी होती है, हाई वोल्टेज कितनी होती है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितनी होती है, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि इनमें जनरल स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या होती है, स्टैंडर्ड वोल्टेज कौन सी होती है, कि सिंगल फेज में स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी रहेगी, थ्री फेज में स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी रहेगी। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा आपसे। देखिए बात करता हूँ, एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा, कि सिंगल फेज की बात करूँ, सिंगल फेज भाई 230 V, 230 V आती है, 240 V लिखी होती है, 220 V लिखी होती है और 250 V लिखी होती है, यहाँ तक होती है। 250 तक की वोल्टेज को लो वोल्टेज बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था। अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी होती है, अब आप स्टैंडर्ड कौन सी चूज करेंगे इसमें से। ऐसे क्वेश्चन आ गया कि अब आपको पता है कि आपका एग्जाम होगा पावर सिस्टम में, जैसे एग्जाम है कोई भी, TG2 का एग्जाम ले लीजिए आप, क्वेश्चन आता है कई बार कि एक स्टैंडर्ड वोल्टेज पहचानी है, तो 230 लगाएंगे, 220 लगाएंगे, 240 या 250, तो कितनी होती है, ठीक है ना। तो बात करना चाहूँगा दोस्तों, स्टैंडर्ड वोल्टेज जो होती है हमारी वो होती है 230 वोल्टेज, ठीक है ना। कितनी होती है स्टैंडर्ड वोल्टेज, 230 वोल्टेज होती है। और वोल्टेज तो हमने बताई थी कि लो वोल्टेज कितनी होती है, हाई वोल्टेज कितनी होगी, मीडियम कितनी होगी, परंतु आज हम उसमें जानेंगे कि हम कितना प्रतिशत उसमें चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू IER, यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो होता है उसमें कितने प्रतिशत हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने हालांकि ये बताया था आपको, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स वाली मेरी वीडियो है दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्वेंसी में कितना प्रतिशत चेंज करेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, और आपको ये भी बताया था मैंने कि वोल्टेज में कितना चेंज करेंगे, अब ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड वोल्टेज की। तो देखिए सिंगल फेज सप्लाई के लिए दोस्तों मानक वोल्टता क्या होती है हमारी दो तारों के लिए, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड वोल्ट बात करें, सिंगल फेज के लिए बात करें, किसकी बात करते हैं, सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज में कितने होते हैं आपके, टू वायर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। टू वायर्स के लिए होती है, टू वायर्स के लिए क्या होगी, एक फेज होता है हमारा, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, यानी एकल फेज प्रणाली के लिए मानक वोल्टता द्वि तार प्रणाली हेतु भारत देश में 230 वोल्ट को क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड वोल्टेज माना जाता है, ठीक है ना। कितनी है हमारी, टू वायर होते हैं, एक फेज होता है हमारा और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो दो तार होते हैं सिंगल फेज में, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। वोल्टेज स्टैंडर्ड कितनी होती है आपकी, 230 वोल्ट। बात कर रहे हैं किसकी, आपकी AC की, अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड वोल्टेज में ही आ जाएगा दोस्तों। बात करता हूँ आपके थ्री फेज प्रणाली के लिए, बात करता हूँ आपके थ्री फेज सिस्टम के लिए। थ्री फेज सिस्टम में कितना होगा भाई आपका, थ्री फेज सिस्टम में जो देखिए दोस्तों आपकी जो आपकी वोल्टेज होती है, स्टैंडर्ड वोल्टेज की बताना चाहूंगा आपको। स्टैंडर्ड वोल्टेज जो होती है वो होती है आपकी 415 वोल्ट। कितनी होती है आपकी, 415 वोल्ट जो होगी मेरी स्टैंडर्ड वोल्टेज होगी। स्टैंडर्ड वोल्टेज आता है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आपका, स्टैंडर्ड वोल्टेज आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। 440 भी लिखते हैं, 415 भी लिखते हैं, 400 भी लिखते हैं, परंतु आपको स्टैंडर्ड याद रखनी है कितनी होती है, 415 वोल्ट होती है दोस्तों, ठीक है ना। कितनी होती है, 415 वोल्टेज होती है। और ये जो वोल्टेज होती है हमारी, लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है। कौन सी होती है, लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है ना। क्या होती है ये, 415 कैसे हमारी, लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है, ठीक है ना। कितनी होती है दोस्तों आपकी, लाइन टू लाइन वोल्टेज हमारी होती है। स्टैंडर्ड ये आती है, स्टैंडर्ड ये आती है हमारी, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें, और थ्री फेज प्रणाली के लिए दोस्तों और आदि वोल्टेज कौन कौन सी आएंगी। स्टैंडर्ड तो 415 हो गई, स्टैंडर्ड कितनी होगी, 415 हो गई, 440 भी आती है हमारी, ठीक है। और थ्री फेज सिस्टम में बात करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन जो थ्री फेज में आता है सारा ट्रांसमिशन करते हैं, तो 700 kV या 765 लिख देते हैं इसे, 765 kV और 400 kV, 220 kV, 132 kV, 66 kV, 33 kV और 11 kV, ये सब किस में आती है भाई हमारी, ये आती है हमारी थ्री फेज स्टैंडर्ड वोल्टेज में आती है। किस में आती है हमारी, सारी स्टैंडर्ड वोल्टेज में आती है, ठीक है ना। 11 kV किस में आएंगी हमारी, स्टैंडर्ड वोल्टेज में आएंगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या आती है हमारी, इसके बाद आ जाएगी 11 kV के बाद 6.6 kV, 3.3 kV और 1.1 kV। तो ये भी किस में आती है हमारी, स्टैंडर्ड वोल्टेज में आएंगे। किस में आएंगे दोस्तों आपकी, थ्री फेज प्रणाली के लिए लाइन से लाइन तक की वोल्टेज होती है, यानी जो ये सारी क्या है हमारी, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। ये सारी क्या है हमारे दोस्तों, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। ये सारी क्या है हमारे, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। जैसे हमारा बात करूँ अगर मैं सिंगल फेज में हमारी 220 वोल्ट है, मान लिया मैंने सिंगल फेज में कितनी वोल्ट है दोस्तों, 220 है,
एक फेजिंग न्यूट्रल के बीच मेजर करूंगा वोल्टेज कितना आएगी, 220 आएगा। इसी प्रकार से अगर मेरा थ्री फेज सिस्टम है भाई, 220 इसमें है, 220 इसमें है, 220 इसमें है, थ्री फेज की बात करूँ अगर मैं हमारे, तो 220 है, 220 है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मेजर करूंगा, ये इस दोनों वोल्टेज जो ये भी लाइन है ये भी लाइन है, यानी आर फेज वाई फेज बी फेज तीन फेज मान लीजिए लाइन, और दो लाइनों का मध्य वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ मैं, यानी दो फेजों के बीच में जो मध्य में जो वोल्टेज मेजर करेंगे वोल्ट मीटर के द्वारा, वही क्या कहलाएगी मेरी लाइन वोल्टेज, इसे क्या कहते हैं लाइन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। किन्हीं दो फेजों के मध्य मापे गए वोल्टेज को क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। और किसी एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच में मापे गए वोल्टेज को क्या आप क्या बोलते हैं आपका, वह उसे बोलते हैं दोस्तों आपका फेज वोल्टेज, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है कि दो फेजों के बीच वोल्टेज मापी गई जाएगी वो फेज वो लाइन वोल्टेज, एक फेज एक न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज होती है वो क्या होती है हमारी फेज वोल्टेज होती है, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों हमारा, हमारी स्टैंडर्ड वोल्टेज आती है 230 वोल्ट एसी में सिंगल फेज में आएगी, और 415 वोल्ट किस में आएगी हमारी थ्री फेज में आ जाएगी। और ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है जो हम जनरली यूज करते हैं, 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, 66 केवी, 33 केवी, 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, 1.1 केवी, ये सारी क्या होती है लाइन टू लाइन वोल्टेजेस हमारी होती है दोस्तों, किसमें थ्री फेज सिस्टम में, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं दोस्तों चेंज कितना कर सकते हैं, जो बात आती है मेन है इसमें कि कितना परमिसिबल चेंज होता है हमारा, इसमें कितना हम चेंज इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए बात करते हैं दोस्तों इसमें, एक तरफ वोल्टेज लिख लेते हैं और तो चेंज कितना करेंगे, ठीक है ना। इधर कितना करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इतना चेंज करेंगे यानी वोल्टेज में परिवर्तन कितना करेंगे, यानी वोल्टेज में कितना आपका परिवर्तन करेंगे, देखिए इस प्रकार से बना लीजिए, इसको आसानी रहेगी आपको, ठीक है ना। ये इसको याद रखना है दोस्तों, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना, कि वोल्टेज में कितना प्रतिशत चेंज करेंगे। बात करना चाहूंगा आपका 250 वोल्ट लो वोल्टेज, लो वोल्टेज की बात करेंगे पहले, किसकी, लो वोल्टेज की। तो लो वोल्टेज कितनी होती है हमारी, लो वोल्टेज होती है हमारी 250 वोल्ट, कितनी होती है हमारी 250 वोल्टेज होती है, ठीक है ना, कितनी होती है 250 वोल्ट आती है लो वोल्ट तक के अंदर। इसमें कितना प्रतिशत चेंज कर सकते हैं दोस्तों, प्लस माइनस 6%, प्लस माइनस 6% का क्या करेंगे इसमें आप चेंज करेंगे, कितना करेंगे आप इसमें प्लस माइनस 6% का क्या करेंगे इसमें आप चेंज कर सकते हो दोस्तों। बात करते हैं इसके बाद आपकी मीडियम वोल्टेज आती है, क्या आती है इसके बाद हमारी मीडियम यानी मध्यम वोल्ट था, मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज कहाँ तक होती है आपकी 650 वोल्ट तक, कहाँ तक होती है आपकी 650 वोल्ट तक होती है। इसमें भी कितना प्रतिशत चेंज कर गए प्लस माइनस 6% ही क्या करेंगे इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी ये जो आपकी वोल्टेज है इसके बाद इतना आप 6% चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और 250 वोल्टेज जितनी भी होगी इसका भी 6% कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस माइनस का मतलब बढ़ा भी सकते हैं उतना और घट भी सकती है। आपको पता है कि एसी क्या होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, मान को बदलती रहती है, ठीक है ना। और अगर उसमें आप चेंज करना चाहेंगे तो प्लस माइनस 6% का आप चेंज कर सकते हैं लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए। बात आती है आपकी हाई वोल्टेज के लिए दोस्तों, बात आपकी किसकी, हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज आपको कहाँ तक बताई थी दोस्तों, 33 केवी तक, कहाँ तक बताई थी आपको 33 केवी तक, 33 केवी तक क्या बताई थी आपको, कितनी आती है हमारी भाई हाई वोल्टेज आती है, क्या आती है हमारी हाई वोल्टेज आती है। हाई वोल्टेज में कितना प्रतिशत चेंज करेंगे दोस्तों, हाई वोल्टेज में जो प्रतिशत चेंज करते हैं प्लस माइनस 6% से लेकर आप प्लस माइनस 9% तक, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना, इनका याद रखना है। पेपर में ऐसी क्वेश्चंस आते हैं कि आप हाई वोल्टेज में कितना प्रतिशत का चेंज ला सकते हैं, कितना लाएंगे चेंज आप प्लस माइनस 6% से लेकर प्लस माइनस 9% तक क्या लाएंगे आप इसमें चेंज ला सकते हैं। और बात करता हूँ दोस्तों आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कितना परिवर्तन करेंगे आप इसमें दोस्तों, 33 केवी से ऊपर की लाइन होगी कोई हाई वोल्टेज लाइन, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, क्या लिख देते हैं इसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब भाई एक्स्ट्रा हाई तो 33 से अबव होगी ना, 33 केवी से ऊपर होगी जितनी वोल्टेज होंगी हमारी, और 33 केवी से ऊपर जितनी वोल्टेज होंगी वो किसमें आएंगे हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आएंगे। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आप कितना प्रतिशत चेंज करेंगे वो करेंगे आप प्लस माइनस 12.5%, कितना करेंगे प्लस माइनस 12.5% क्या करेंगे दोस्तों आप इसमें चेंज करेंगे। तो ये आपको इसमें याद रखना है, जो पॉइंट चाहिए होती हैं वो आपको याद रखनी है दोस्तों कि लो वोल्टेज में कितना चेंज करेंगे, लो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक की होती है। सिंगल फेज की बात करूँ ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी होती है, थ्री फेज की बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी होती है, उसमें चेंज कितना करेंगे, हाई वोल्टेज की रेंज कहाँ तक होती है, मीडियम वोल्टेज की रेंज कहाँ तक होती है, रेंज आपको याद रखनी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों, ठीक है ना। इसमें बात करते हैं आगे दोस्तों, अब कुछ आती है हमारी, नोट कर लिया तो सर्व कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इतना आपको इसमें चेंज का याद रखना है कि वोल्टता कितना परिवर्तन कर सकते हैं,
फ्रीक्वेंसी में कितना परिवर्तन कर सकते हैं, आपको बताया था प्लस माइनस 3% चेंज कर सकते हैं, 51.5 हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है 48.5, ठीक है ना। यानी 3% निकाल लेना आप उसका, जितना आपका चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें, अब कुछ आती है दोस्तों हमारी, अगली हेडिंग की बात करते हैं आपकी, कुछ आती है हमारी स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज आती है, स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज, स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज। अब स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज देखिए दोस्तों, ठीक है ना, यानी क्या होती है, मानक जनन वोल्टता, क्या आती है, मानक जनक वोल्टता बोलते हैं इनको। बात करता हूँ पहले मैं आपकी 6.6 kV, पहले बात करते हैं आपके 6.6 kV की, बात करते हैं 6.6 kV कि भाई ये जनन वोल्टता कहाँ की है। तो देखिए दोस्तों यह विद्या व्यक्तिगत बिजली घरों की जनन वोल्टता होती है, कहाँ की होती है, व्यक्तिगत बिजली घर जो होते हैं आपके, ये क्या होती है आपकी दोस्तों, व्यक्तिगत जो बिजली घर आपके जो होते हैं दोस्तों, उनकी क्या होती है, जनरेटिंग वोल्टेज हमारी होती है। बात करना चाहूंगा दोस्तों आपके 6.6 kV, ठीक है ना, और इसमें क्या आती है दोस्तों आपकी, और कहाँ पर रहेगी, ये रहेगी, और इसके साथ साथ जो आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं आपकी, ठीक है ना, क्या रहेगी, कारखानों, मिल वगैरह, कारखानों में चाहिए, मिलों वगैरह में, तो उनके लिए जो दोस्तों जी होती हैं आपकी, ये भी क्या होती है, वहाँ की जनरेटिंग वोल्टेज होती है हमारी, ठीक है ना, यानी उद्योग आदि के प्रचालन के लिए, और कहाँ पर हमारे उद्योगों आदि के प्रचालन के लिए, प्रचालन के लिए। तो देखिए दोस्तों ये क्या होती है हमारी, व्यक्तिगत बिजली घरों की जनन वोल्टेज होती है, यानी कारखानों, मिलों, उद्योग आदि में क्या होते हैं दोस्तों, उनका यूज करते हैं, उत्पन्न प्रयोग उत्पन्न के लिए क्या करते हैं, जैसे यूज किया जाते हैं, प्रचालन के लिए बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपकी 11 kV, जो जनरल हमारी हम यूज करते हैं दोस्तों, हमारी 11 kV पे आपको पता है आपको जनरेशन होता है, ठीक है ना, 11 kV पे क्या करते हैं हमारा जनरेशन होता है वोल्टेज का। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है हमारी, यानी वोल्ट था, ये जो वोल्टेज हमारी दोस्तों क्या होता है हमारे, कि वोल्ट भारत के लगभग सभी राजकीय विद्युत परिषदों में, यानी इंडिया के सभी विद्युतीय विभाग, जैसे सभी विद्युत विभागों की, जैसे जनरली बात करना चाहूंगा इसके आपके, कि विद्युतीय विभाग बोल दीजिए या इसको परिषद, कि क्या होती है, की जनरेटिंग वोल्टेज होती है, कि क्या होती है, जनन वोल्टता होती है, जनन वोल्टेज होती है, ठीक है ना। नहीं, इंडिया के सारे जो भी गवर्नमेंट सेक्टर आपके जो हो जाएंगे आपके जनरल, इसमें याद रखना, ठीक है ना, यानी ये क्या होगी, वोल्ट तो भारत के सभी लगभग सभी राजकीय विद्युत परिषदों के अंतर्गत उत्पन्न करने वाली वोल्टेज होती है, बिजली घरों की आदोस्त आपकी वोल्टता है, यानी जनरेटिंग जो वोल्टेज है, इंडिया की बात करो, जनरेशन जो करते हैं कितने पे करते हैं, 11 kV पर करते हैं, कितने पे करते हैं, 11 kV पे करते हैं, और 50 Hz फ्रिक्वेंसी पे करते हैं, किस पे करते हैं, 50 Hz फ्रिक्वेंसी पे करते हैं, और जो वहाँ पर जो आप अल्टरनेटर यूज़ करते हैं दोस्तों, यानी जो अल्टरनेटर है हमारा या जनरेटर जिसे बोलते हैं आप, यानी अल्टरनेटर जो आप यूज़ करते हैं उसकी जो रेटिंग हम लेते हैं दोस्तों, KVA या MVA में होती है दोस्तों, ठीक है ना। रेटिंग क्या देखना, रेटिंग जो होती है हमारे अल्टरनेटर या जनरेटर की, वो किस में होती है, केवी में होती है, एमवीए में होती है, इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। 6.6 kV व्यक्तिगत बिजली घरों की जनरल वोल्टता होती है, 11 kV क्या होती है हमारी, जो इन जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो इतने हमारे पावर हाउस होते हैं, पावर स्टेशन होते हैं हमारे, चाहे हाइड्रो की बात करें चाहे थर्मल की बात करें, उनकी जनरल वोल्टता कितनी होती है आपकी, 11 kV होती है, जनरेटिंग 11 kV हो गई, फ्रिक्वेंसी 50 Hz होगी, और अल्टरनेटर की जो रेटिंग वगैरह जो होती है वहाँ पर, वो होती है KVA या MVA में, उसकी क्या रखते हैं, रेटिंग को हम रखते हैं। बात करता हूँ दोस्तों आपकी 33 kV की अगर बात करें, ठीक है ना, अगर बात करें 33 kV की, तो उसमें भी आते हैं अभी, तो इसमें तो आप लोगों को इसमें याद रखना है दोस्तों, कोई भी चीज है, मैं इसलिए आप लोगों को दोस्तों बेसिक से लेकर चल रहा हूं, ताकि कोई भी चीज आपकी इसमें ना छूटे, पूरा कराएंगे इसमें, पूरा बेसिक तक, इसमें बेसिक से लेकर डीपली तक जाएंगे इसमें दोस्तों, बस आपको क्या रखना है, इसको ध्यान रखना है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है इसमें, पावर सिस्टम में कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है, हर पॉइंट को इसमें याद रख के आपको चलना है, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, उससे फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। बात करते हैं आपकी 33 kV की,
कि 33 कहाँ की देखी दोस्तों, कि 33 के भी जनरेटिंग, ये भी जनरेटिंग वोल्टेज होती है भाई 33 के भी, ठीक है ना। तो बात करता हूँ दोस्तों हमारा कि ये रूस हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है ना। बात करें आपके रूस की, अमेरिका की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो जो दोस्तों हमारे ये जैसे जो विकासशील देश हमारे जन्म, ठीक है ना, जापान की बात कर लें और ETC, नहीं एक्सेट्रा देश है दोस्तों, जो हमारे विकासशील देश है दोस्तों उन्हीं की जनरेटिंग वोल्टेज होती है ये, ठीक है ना। रूस की कह दें, अमेरिका की, जर्मनी है, जापान की, जो आदि विकासशील देश होते हैं दोस्तों, उनकी क्या है ये जनरेटिंग वोल्टेज है, उनकी क्या है ये जनरेटिंग वोल्टेज है, ठीक है ना, उनकी क्या है ये जनरेटिंग वोल्टेज है। और उनकी जो फ्रिक्वेंसी जो रखते हैं, जनरल की बात करना चाहूँगा, अगर अमेरिका की मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूँ दोस्तों, तो ये फ्रिक्वेंसी रखता है अपनी 60 हर्ट्ज। कितनी रखता है दोस्तों फ्रिक्वेंसी अपनी? 60 हर्ट्ज रखते हैं दोस्तों। जनरेटिंग वोल्टेज कितनी है दोस्तों इनकी? 60 हर्ट्ज है ना। जनरेटिंग वोल्टेज की बात करो तो 33 kV, और फ्रिक्वेंसी की बात करो तो 60 हर्ट्ज इनकी क्या है दोस्तों जनरली फ्रिक्वेंसी हो जाती है बात करें तो, ठीक है ना। कई बार पूछ रहा था अमेरिका की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज है, और इनकी जनरेटिंग वोल्टेज की बात करो तो 33 kV है दोस्तों, ठीक है ना। कितनी है हमारी? 33 kV है। और अगर बात करना चाहूँ दोस्तों आपकी, बात बात करें भारत में, तो भारत में भी परीक्षण जो है हमारा जनरली छत्तीसगढ़ है हमारा, ठीक है ना, जो हमारा जो छत्तीसगढ़ के कोरबा में, छत्तीसगढ़ के दोस्तों कहां पर? कोरबा में अभी क्या है हमारा 33 kV पर परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य है दोस्तों हमारा, छत्तीस भारत का राज्य हमारा छत्तीसगढ़ की बात करो तो छत्तीसगढ़ में कोरबा नामक जगह पर दोस्तों आपका, ठीक है, क्या किया जा रहा है परीक्षण की आपका किया जा रहा है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में क्या किया जा रहा है, 33 kV का परीक्षण चल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या है दोस्तों, अभी हमारा जनरेटिंग तो नहीं है, जनरेटिंग वोल्टेज हमारी 11 kV है, ठीक है ना। आपको अगर भारत की जनरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो 11 kV ही है, परंतु ये जो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ है हमारा, उसके कोरबा में दोस्तों 33 kV का अभी परीक्षण वहाँ पर चल रहा है कि हम भी जनरेट कर सकें कितना आपका 33 kV पर, ठीक है ना। वो बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों हमारी कि ऐसी नहीं कि हम 33 kV पे जनरेशन शुरू कर दें एकदम से, उसमें देखना पड़ता है, फ्रिक्वेंसी भी देखना पड़ेगा हमें, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कितनी वोल्टेज बनाने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है कि वोल्टेज बना अगर आपको जनरेशन करना है, आपको 33 kV चाहिए, तो आपको वहाँ पर फ्रिक्वेंसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिले, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है दोस्तों फिक्स है हमारी, 50 हर्ट्ज उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम कल को ही आपका 33 बनाने लगे तो फ्रिक्वेंसी हम 60 कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर जो हमारे इक्विपमेंट जो डिज़ाइन है दोस्तों 50 हर्ट्ज के लिए है, वो कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। जनरेटिंग वोल्टेज 11 kV भारत की है, ठीक है, और ये 33 kV रूस अमेरिका नहीं, जो विकासशील देश है हमारी उनकी 33 क्या आती है, जनरेटिंग वोल्टेज आती है, ठीक है ना। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, उसमें कोरबा में भी 33 kV का परीक्षण किया जा रहा है कि ये हमारा संभव हो सके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें दोस्तों। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं आपसे कि हमारी कुछ प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन क्या होती हैं, ठीक है ना। ये नोट कर लिया तो रफ कर देते हैं दोस्तों इसको। तो कुछ जनरेटिंग वोल्टेज होते हैं 6.6 kV, 11 kV और 33 kV, इनका भी आप लोगों को याद रखना है सबको, ठीक है ना, सबको याद रखना है इनका। बात करते हैं आपके प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सी होती है, ठीक है ना। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की जो प्राथमिक या प्रारंभिक संचरण वोल्टता जो होती है दोस्तों, प्राथमिक, ठीक है ना, यानी जो हमारी प्राथमिक संचरण वोल्टता होती है वो कौन कौन सी होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों इस संचरण वोल्टता को, इसको बोलते हैं क्या है प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज को, इसको हम बोलते हैं दोस्तों हाई प्रेशर ट्रांसमिशन वोल्टेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम? हाई प्रेशर ट्रांसमिशन वोल्टेज भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाई प्रेशर ट्रांसमिशन वोल्टेज भी कहते हैं, या आपको क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्च दाब संचरण वोल्टता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उच्च दाब, क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्च दाब संचरण वोल्टता, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। यानी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हाई प्रेशर ट्रांसमिशन वोल्टेज भी बोलते हैं हम। यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या बोलते हैं कि हाई प्रेशर भाई ट्रांसमिशन वोल्टेज है प्राइमरी, ठीक है ना। कि जो जब अब आपका पता है जनरेटिंग स्टेशन है हमारा, वहाँ पर 11 kV को जनरेट किया, जनरेटिंग स्टेशन पर है हमारा ये, यहाँ पर 11 kV पे जब जनरेट किया, उसके बाद सप्लाई को भेजा यहाँ पर,
ठीक है ना। और यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया आपने, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने के बाद क्या कर दिया, उसको स्टेप अप कर दिया, उसको क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। बढ़ाओगे तो दोस्तों वोल्टेज बढ़ जाएगी, वोल्टेज जो बढ़ेगी, तो जो वोल्टेज बढ़ी आपने, आपने 220 kV है आपके, 440 है, जितने में आपने बढ़ाई है, तो वो किस में आएगी, बड़ी प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में आएगी, जिसको मैं बोलता हूँ दोस्तों हाई प्रेशर ट्रांसमिशन वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी वोल्टेजेस आती हैं वो देखते हैं, किसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी वोल्टेज आएंगी। इसके अंतर्गत आती है दोस्तों हमारे कि प्राइमरी संचरण वोल्टता के अंदर जो वोल्टेज आती है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या आती है हमारी, 765 kV, 400 kV, 220 kV, 132 kV, ठीक है ना। तो ये किस में आती है दोस्तों आपकी, जनरली इनकी बात करना चाहूंगा, तो ये किस में आती है हमारी, प्राइमरी ट्रांजिशन वोल्टेज में आती है दोस्तों। किस में आती है हमारी, प्राइमरी ट्रांजिशन वोल्टेज में आएगी, ठीक है ना। और आपको कहीं पे जगह दोस्तों क्या लिखा मिल सकता है आपका, अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो 220 kV है, 400 kV है हमारी, 765 kV है, तो कहीं पर आपको लिखा सकता है 765 या 800 kV, ठीक है ना। तो ये ठीक है, जनरली आपको इतना याद रखना है, अगर आपको यहीं से याद रखना है, इंडिया की बात करें तो 765 kV, 400 kV, 220 kV, 132 kV, 66 kV, ये किस में आती है दोस्तों हमारी, ये सब आएंगे हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में आएंगी दोस्तों, ठीक है ना। किस में आएंगी सारी, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में आती हैं। और प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज हम क्या बोलते हैं, उच्च दाब संचरण वोल्टता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उच्च दाब संचरण वोल्टता इसको हम बोलते हैं, या बोलते हैं हाई प्रेशर ट्रांसमिशन वोल्टेज बोलते हैं, और उसके अंतर्गत सारी ये जनरल सी वोल्टेज आती हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसमें थोड़ा सा, अब बात करते हैं दोस्तों आपसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की। अब बात करते हैं आपसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सी होती है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में क्या क्या आएगा दोस्तों हमारा। देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या आता है दोस्तों हमारा जनरली, कि आपकी सेकेंडरी की बात करना चाहूंगा, सेकेंडरी में हम जनरली सेकेंडरी ले लेंगे कि 400 kV से 33 के बीच की जो होगी हमारी, किसमें आ जाएगी हमारी, इसमें आएगी हमारी, ठीक, इसमें क्या आ जाएगी दोस्तों हमारी, कि 400 kV से लेकर आ जाएंगी दोस्तों हमारी, यानी इसको हम निम्न दाब भी बोलते हैं, क्या बोल सकता हूँ दोस्तों मैं, इसको निम्न दाब संचरण वोल्टता बोल सकता हूँ। भाई जो प्राइमरी सेकेंड ट्रांसमिशन था वो हाई उच्च दाब था, ये थोड़ा क्या होता है, निम्न दाब हो जाता थोड़ा सा, तो इसको जो वोल्टेज आती है दोस्तों किसमें आएंगी हमारी, यानी 400 kV से लेकर 33 kV तक, ये जो हमारी वोल्टेज जो आएंगी इसके अंतर्गत, तो ठीक है ना, कितने आएगी, 400 से लेकर 33 kV के बीच होती है, जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है वो 400 kV और 33 kV के बीच में हो जाएगा। 220 kV का हो, ठीक है, वो भी हो सकता है, 66 kV का हो, वो भी हो सकता है, वो किस में आएगा आपका, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आ जाएगा, ठीक, किस में आ जाएगा आपका, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आ जाएगा, ठीक है ना। जनरली आपको याद रखना, कुछ भी आ सकता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, क्योंकि ट्रांसमिशन हम वही करते हैं भाई, एक तो जनरेटिंग स्टेशन से आप ट्रांसमिट करोगे, स्टेप लगाने के बाद एक तो आपने ट्रांसमिशन करा, सपोज डेट आपने 220 kV का ट्रांसमिट कर दिया भाई, ठीक है ना, 220 kV का ट्रांसमिट करा, फिर आप सब स्टेशन पर ले गए, अब ये क्या करेगा, इसको ये चाहे इसको डायरेक्ट 33 में बदल के दे दे, ठीक है ना, या किसी में बदल दे आपका, 66 kV में बदल दे, तो वो डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड हो गया, लेकिन सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो जाएगा, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन कितने में भी हो सकता है आपका जनरली, तो 33 kV से नीचे तो नहीं होगा, परंतु 400 kV से 33 kV के बीच कहीं तक भी कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, इतना इसको आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो ये क्या आता है दोस्तों हमारा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होती है हमारी कहाँ से, 400 kV से 33 kV तक, ठीक है ना, इतना इसमें भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज की, बात करते हैं आपकी प्राइमरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज की, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज की बात करते हैं दोस्तों, कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या होती है हमारे दोस्तों, इसे उच्च, इसे क्या बोलते हैं, उच्च दाब वितरण वोल्टेज कहेंगे इसे, इसे क्या कहेंगे हम, हाई प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, इसे क्या बोलेंगे आपकी, हाई प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कहेंगे, ठीक है ना। और ये क्या आती है दोस्तों इसमें, प्राथमिक वोल्ट क्या होती है, तो इसका बोलते हैं उच्च प्रेशर या उच्च दाब डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कहेंगे। और प्राथमिक वोल्टता के अंतर्गत दोस्तों कौन क्या क्या आएंगे हमारी, 11 kV से नीचे, ठीक है ना, 11 kV से नीचे और 650 वोल्ट तक की आएंगे सारी, इसके अंतर्गत क्या आएंगे दोस्तों आपकी, 11 kV से नीचे आएंगी, और कहां तक,
650 तक दोस्तों, ठीक है, नकाता आएगी आपकी 650 तक आती हैं दोस्तों, ठीक है, जनरल इतना आप लोगों को इसमें याद रखना है। अगर बात करूँ मैं आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का दोस्तों, बात करता हूँ आपके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा दोस्तों 11 kV किस्म डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आती है, और 650 तक भी वो भी किस्म आएगा डिस्ट्रीब्यूशन तक आएगा, वो किस में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब आपकी लाइन होती है भाई 440 की, 440 वोल्ट, तो क्या आती है भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, या क्या बोलूँगा इसे मेन सर्विस या सर्विस लाइन बोलेंगे, सो क्या बोलेंगे हम, मेन सर्विस लाइन, ठीक है ना, जनरल इतना आपको याद रखना है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दोस्तों, सो क्या बोलते हैं, उच्च दाब डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज बोलते हैं। 11 kV किस में आएगी दोस्तों, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी, और 650 तक या 440 kV की जो लाइन आती है किस में, ये मेन सर्विस में आ जाएगी, ये किस में आ जाएगी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा दोस्तों, किस में आ जाएगा हमारा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, जनरली आपको याद रखना है, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। या आप इसमें एक चीज़ याद रखना, आप इसमें 33 kV को भी डाल सकते हैं दोस्तों, 33 kV भी जो आ जाएगा वो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। अगर सब स्टेशन ने, देखिए बात करना चाहूँगा, प्राथमिकता से इसको प्राइमरी उसमें देंगे ट्रांसमिशन में, परंतु हमारा बात करूँगा, देखो आपको भी सभी कोई भी हमारा ये ट्रांसमिशन स्टेशन है, ये ट्रांसमिट करता है आपकी 33 kV को किसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हो गया, ये ट्रांसमिशन स्टेशन हो गया, ठीक है ना, तो इसने ट्रांसमिट करेगा 33 kV, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर देगा इसको, 33 को कहाँ भेज देगा आगे, 11 kV करके, क्या भेज सकता है, 11 kV भेज सकता है, ठीक है ना, या 33 kV ये डिस्ट्रीब्यूशन कहीं इसको डिस्ट्रीब्यूशन ने भाई इधर तो 11 kV भेज दी, और यही चाहेगा इसको यहाँ पर भेजना था किसी को, 33 kV इसने यहाँ पर भेज दी इसको, तो कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। तो दोनों आपको याद रखना है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम रख देंगे कि इसमें आपका 33 kV भी रख सकते हैं, 11 kV भी, और आपको 650 kV तक इसको रख सकते हैं, ये 650 वोल्ट तक, ठीक है ना, और 440 जो आता है वो दोस्तों वो किस में आता है, मेन सर्विस में आता है, परंतु ये जो होता है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये क्या होता है हमारा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, ये वाला कितना रहेगा, सेकेंडरी में रहेगा, चलो सेकेंडरी देख लेते हैं कहाँ तक होगा जनरली हमारा, बात करते हैं आपकी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की, देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों हमारा, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे निम्न दाब वोल्ट तक कहेंगे, लो प्रेशर वोल्टेज यानी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कहेंगे, लो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कहेंगे, और इसके अंतर्गत क्या आएंगे दोस्तों हमारी, 650 वोल्ट से नीचे की जिससे सारी वोल्टेज आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 650 वोल्ट से नीचे की सारी वोल्टेज इसके अंतर्गत आएंगी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगी। जैसे कि बात करूँ, अब भाई 11 kV होती है हमारी मीडियम, 11 kV किस में आ रही, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही है, सेकेंडरी में क्या आ जाएगी, 650 से नीचे की होगी, 650 से नीचे क्या होगी भाई हमारी, 415 वोल्ट की बात करूँ, या 440 ले लीजिए, या 220 वोल्ट ही, तो ये सब किस में आएंगे दोस्तों हमारी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगी हमारी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के अंतर्गत हमारी सारी आ जाएंगी, ठीक है ना। और ये क्या है दोस्तों हमारा, कि द्वितीयक वितरण वोल्टता को द्वितीयक वितरण प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, यानी सेकेंडरी यानी ये वाली वोल्टेज है हमारी दोस्तों, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, कंज्यूमर वगैरह को देने के लिए भैया, हम ही तो यूज़ करते हैं, अगर किसी को थ्री फेज पावर कनेक्शन चाहिए तो थ्री फेज सप्लाई चाहिए तो ये ले लेंगे 415 वोल्ट ले सकते हैं, और किसी को घर में सिंगल फेज सप्लाई चाहिए तो हम सिंगल फेज सप्लाई ले सकते हैं। तो सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, अब वोल्टेज कितनी होती है 220, और थ्री फेज में तीन फेज विद न्यूट्रल, थ्री फेज भी जो सिस्टम होता है दो प्रकार से होता है, थ्री फेज थ्री वायर, थ्री फेज फोर वायर, थ्री फेज फोर वायर और थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है हमारा, एक स्टार सिस्टम होता है, एक डेल्टा सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम क्या होता है और डेल्टा सिस्टम क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो जनरल इतना आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ हमारी स्टैंडर्ड वोल्टेज थी, ये कहते हैं दोस्तों हमारे कुछ स्टैंडर्ड वोल्टेज, यानी स्टैंडर्ड वोल्टेज कई बार पूछी जा चुकी है दोस्तों, पूछी जाती है, आप लोगों को सबको इसमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारी जनरली थी, हमने क्या पढ़ा दोस्तों आज कि स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी होती है और स्टैंडर्ड वोल्टेज में कितना परिवर्तन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी होती है, कितना परिवर्तन हम कर सकते हैं,
फ्रीक्वेंसी में कितना परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, यही चीज़ आपको बस थोड़ा सा इसमें पॉइंट को याद रखना है, ठीक है ना। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, आपसे मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि इस सिस्टम का हम करके तो आपको बताएंगे कि ट्रांसमिशन जो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस होता है पूरा, उसका एक लेयर डायग्राम बनाएंगे। एक आपको जो बनाया था आपका सिंगल लाइन डायग्राम, उससे थोड़ा हटके डायग्राम है एक थोड़ा, उसमें आपको समझाऊंगा आऊँगा कि एसी को ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और उसमें आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिलहाल मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।